मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। किस्मत के भरोसे बैठे लोग अपनी नाकाबिलियत को किस्मत का नाम दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा सोरारी पोत्रू मूवी के बारे में। आई थिंक मैंने इसका सही से नाम लिया हो। इसको आप अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। तकरीबन ये मूवी 2.5 घंटे लंबी है। अब इसकी कहानी के बारे में बात करूँ तो एक्चुअल में जो इसकी कहानी है वो रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। बस इसके अंदर नाम चेंज कर दिए गए हैं, ज़्यादातर रियल इवेंट्स ही हैं। जैसे कि इसके अंदर एयरलाइन शुरू की जाती है। एक इसमें इस मूवी में बात करूं, एक इंसान होता है जिसका नाम होता है मारा। वो एक एयरलाइन शुरू करता है इंडियन आर्मी में। वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर कैप्टन के पद पर है। तब उन्होंने उसके बाद फैसला किया, क्यों ना मैं एक लो कॉस्ट बजट एक एयरलाइन शुरू करूं। और रियल में इनका नाम है G.R. गोपीनाथ। तो 2003 में ये अपनी एक एयरलाइन शुरू करते हैं एयर डक्कन के नाम से। अब जब ये एयर डक्कन जो शुरू करते हैं तो इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सब चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जिन लोगों ने एयरलाइन के ऊपर अपना मोनोपली कर रखी है, वो ये चाहते हैं कि उन्हीं का राज चले, जो वो पैसा कमा रहे हैं बस वही कमाएं, अपनी मर्जी से मुंह मांगी मतलब कीमत वसूल कर रहे हैं कस्टमर से। और जब कोई एक नया इंसान इसके अंदर एंट्री करता है तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत सारी प्रॉब्लम इसके सामने वो खड़ी करते हैं। एयर डक्कन पहली इंडिया की ऐसी एयरलाइन जिन्होंने बिल्कुल एकदम मार्जिन पे 1 रुपया, इवन 1 रुपये के ऊपर उन्होंने सर्विस दी थी, एयर सर्विस दी थी लोगों को, और कमाल कर दिया था। इतना जबरदस्त ये प्लान ये लेकर आए थे हमारे सामने। और केवल मारा की लाइफ नहीं, इनके अंदर इसमें जो इनकी वाइफ है वो कैसे अपने पति का साथ देती है। वो बेकरी स्टार्ट करती है और बेकरी स्टार्ट करने के बाद वो अपने पति को फाइनेंशियल हेल्प करती है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। ये सब चीजें भी इसके अंदर दिखाई गई हैं। और जब इनकी एयरलाइन शुरू होती है तो वहां पर भी ये सुंदरी जो है वो प्रॉफिट कमाती है। अब ये इतना आसान भी नहीं है अपनी लाइफ में, मतलब ये जो काम वो शुरू करते हैं एयर डक्कन वो शुरू करते हैं मारा, तो इनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मेंटली ये प्रेशर बहुत ज्यादा झेलते हैं। कभी इनको कर्जे के नीचे दबा दिया, बहुत ज्यादा कर्जा इनसे ले लिया जा ये ले लेते हैं, फिर इनको धोखा दिया जाता है, और फिर इनके बाद कैसे ये डीमोटिवेट होते हैं और फिर अपने आप को मोटिवेट करते हैं और वापस एक नई एनर्जी के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए फुल पावर से वापस आते हैं। टेंशन ना लो, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, बस ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग बस अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि यार किस्मत में ऐसा नहीं है, किस्मत में ऐसा नहीं है। ये जो मूवी आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगी इंसान के सामने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, उसको कर्जे में डुबोया गया, इवन उसका आइडिया तक चोरी कर लिया गया, लेकिन बावजूद उसके इस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। कब से इसने शुरू किया था, बिल्कुल कर्जे में डूब चुका था, अपने उस चीज से लेकर ये उठा और उठने के बाद इसने अपना नाम कमाया। आज की डेट में जो G.R. गोपीनाथ है वो भारत सरकार की उड़ान स्कीम शुरू की गई थी, तो वहां पर एक एडवाइजरी तौर पर ये काम कर रहे हैं। एयर डक्कन का मर्ज हो गया था 2008 में या 2007 में किंगफिशर के साथ। तो कैसे एक आम इंसान अपना जो सपना देखता है कि उसे कुछ करना है तो वो कुछ करने के लिए वो मेहनत करता है, केवल किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, सिर्फ अपने मेहनत से अपने सपने को वो साकार करता है। ये मूवी आपको अच्छे से बताएगी और मुझे लगता है कि काफी सारे लोग जो है वो एक बार ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद अब उनको कामयाबी नहीं मिलती तो वो बैक हो जाते हैं और फिर वो यही कहने लगते हैं कि यार मैंने मेरी किस्मत में शायद ये सब चीजें नहीं है। देखो किस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत करोगे किस्मत बनेगी। इस मूवी की स्टोरी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, ये आप लोगों को प्रेरित करेगी मेहनत और आगे बढ़ने के लिए। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस मूवी में मुझे काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लगी। इवन जो इसके अंदर गाने थे, तमिल लैंग्वेज में जो मूवी है ओरिजिनल इसकी लैंग्वेज जो तमिल है, तो इसके अंदर जो गाने थे वो तमिल में थे, भले ही मुझे समझ नहीं आ रहे थे लेकिन एक डांस करने का मन कर रहा था। जब वो स्टार्टिंग में जब डांस होता है, स्टार्टिंग में नहीं कुछ टाइम बाद, जिसमें मूवी में कुछ टाइम बीतने के बाद डांस आता है, तो वो काफी अच्छा लग रहा था, काफी अच्छी चीज लग रही थी वो देखने में और सुनने के अंदर। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो देखो, एज ए एंटरटेनमेंट के तौर पर मत देखो। अगर आप डीमोटिवेटेड हो, थोड़ा बहुत आपको पुश की जरूरत है कि इंसान की रियल लाइफ में उसने कैसे कामयाबी हासिल की, कैसे उसने अपना सपना पूरा किया, तो बस आपको अगर थोड़ा बहुत पुश की जरूरत है तो आप ये मूवी जरूर देखो। एक मोटिवेशन के तौर पर ये मूवी देख लो, काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और मुझे लगता है कि यार ये जरूर देखनी चाहिए। भले मोटिवेशन या फिर जिसको कुछ भी नया आइडिया है वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, लेकिन उनको वो खड़े रहना चाहिए अपनी उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। तो ये सब चीजें आपको इस मूवी में बहुत बखूबी से, बहुत सुंदर तरीके से दिखाई गई हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।